बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सभी लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं कि तभी अंदर से एक औरत अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस स्टेशन पर कोई उतर नहीं रहा, ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही और सबने अपनी खिड़कियां क्यों बंद कर ली, कितनी गर्मी हो रही है, ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। उसकी बात सुनकर तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, चुप करो, कुछ मत कहो, अगर अपनी और हमारी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुप रहो, वो दोनों चुड़ैल बाहर ही है अभी। तभी उनके आगे वाले वीआईपी डब्बे में एक परिवार होता है जो नैनीताल से अपने गांव सहारनपुर जा रहा होता है, लेकिन एक राघव नाम का लड़का, मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर इतना सन्नाटा देखा है। राघव को वहाँ एक कूड़ा उठाने वाली और एक चाय बेचने वाली के अलावा और कोई नहीं दिखता। तभी उसके पास चाय वाली औरत आती है। चाय, गरम चाय वाली, चाय गरम, चाय वाली साहब, गर्मा गर्म चाय ले लो चाय। अरे सुनो, कितने की चाय है? साहब केवल 10 रुपए की, ऐसी चाय आपने कहीं नहीं पी होगी।